नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस, यानी पिछले लॉ में जो लास्ट रिटर्न में इनपुट क्रेडिट बैलेंस था उसको जीएसटी लॉ में किस प्रकार शिफ्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेज का बैलेंस सीजीएसटी में तथा स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेज का बैलेंस एसजीएसटी में ट्रांसफर होगा। शिफ्टिंग ऑफ इनपुट क्रेडिट के बारे में सीजीएसटी एक्ट की धारा 139 से 142 में विस्तार से बताया गया है। धारा 139 माइग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, यानी इस एक्ट के अपॉइंटेड डे के पहले दिन किसी भी इनडायरेक्ट टैक्सेज में अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड होता है तथा वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर होल्डर है तो उसको इस एक्ट में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। उस पर्सन के न चाहने पर एप्लीकेशन के द्वारा इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को कैंसिल करवा सकता है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस अरेंजमेंट्स, यानी इस एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन केवल उन पर्सन को छोड़कर जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं और अपना टैक्स अंडर सेक्शन 10 पे करते हैं, पिछले लॉ की लास्ट रिटर्न में अवेलेबल क्रेडिट सेनवेट बैलेंस को इस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर सकते हैं। केवल इन परिस्थितियों में ये क्रेडिट अलाउड नहीं होगी। अगर ये इनपुट क्रेडिट इस एक्ट में एडमिसेबल नहीं है, उस पर्सन ने एग्जिस्टिंग लॉ की लास्ट 6 महीनों की रिटर्न्स अपडेट नहीं है और ये उत्पाद या सर्विस किसी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के तहत है। अब हम चर्चा करते हैं इनपुट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, यानी वो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम कैपिटल गुड्स के ऊपर अनएवेल्ड बैलेंस को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर सकते हैं। केवल शर्त है कि ये इनपुट क्रेडिट पिछले लॉ तथा जीएसटी लॉ दोनों में एडमिसेबल होनी चाहिए। इस एक्ट में वो पर्सन भी इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं जो पिछले लॉ में रजिस्ट्रेशन के लाइबल नहीं थे, किसी नोटिफिकेशन के तहत एग्जम्पशन था, यानी वो मैन्युफैक्चरर्स जो किसी भी नोटिफिकेशन के तहत एग्जम्प्टेड थे तथा वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो नोटिफिकेशन 26/2012 सर्विस टैक्स एक्ट का बेनिफिट ले रहे थे, फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर, रजिस्टर्ड इंपोर्टर तथा मैन्युफैक्चरर्स डिपो इत्यादि। लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनके तहत ही
ये इनपुट क्रेडिट अपने इनपुट्स पर, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स पर तथा फिनिश्ड गुड्स पर क्रेडिट ले सकते हैं। ये इनपुट क्रेडिट क्रेडिट करने के लिए कुछ शर्तें हैं, यानी ये प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ सर्विस इंटेंड टू टैक्सेबल होना चाहिए तथा ड्यूटी पेड डॉक्यूमेंट्स पिछले 12 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। सर्विस किसी भी तरह का एबेंटमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये इनपुट क्रेडिट लेने के लिए किस प्रकार एप्लीकेशन करनी होगी उसके बारे में हम जानते हैं। जो पिछले लॉ में इनपुट क्रेडिट बैलेंस था, जिसको इस लॉ में शिफ्ट करना है, उसको जीएसटी ट्रान 1 में फिलअप करना है तथा जो स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करेंगे एग्जिस्टिंग लॉ से जीएसटी में, उनको एचएसएन कोड देकर जीएसटी ट्रान 2 में फिलअप करना है। इनको फिलअप करने का टाइम जीएसटी एक्ट ने 90 डेज का दिया है, लेकिन एसएससीज को चाहिए कि वो अपना एग्जिस्टिंग लॉ की लास्ट रिटर्न जितना जल्दी हो फाइल करे तथा ट्रान 1 और ट्रान 2 में जितना जल्दी हो अपनी एंट्रीज को फाइल करके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट लेवे। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि डीलर्स वेट इनपुट क्रेडिट तथा सेंट्रल एक्साइज क्रेडिट सीजीएसटी में किस प्रकार लेंगे तथा उस गुड्स के ऊपर किस प्रकार सेनवेट क्रेडिट मिलेगा जो इस एक्ट के अपॉइंटेड डे को ट्रांजिट में रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।